मम्मा का हो जाए। अच्छा आ रही है ए, बाबा का मेरे। नहीं मम्मा, ये किनके दादा है? तुम्हारे। और ये ए, ए दादा जी है। अच्छा और ये कौन है? ये दादा, ये किनके दादा है? बाबा के। बाबा के दादा है, बाबा के दादा आपको पता है। चलो कौन लाया केक? कौन लाया मम्मा? ओ क्या, ओ क्या? नाना लाए। नाना लाए, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो नाना। थैंक यू। थैंक यू नाना। हाँ जाओ, जाओ। नहीं उठ के जाना पड़ेगा पुछी देने के लिए। जाओ उठ के, उठ के, उठ के पहले पुछी दे के आओ। उठो उठो, जाओ 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 जाओ। मन नहीं है उसको, मन अटका हुआ केक में। हो गया, हो गया। चलो कैंडल, कैंडल जलानी है। आज हम हैंड जलाने। चलो फूक मारोगे, एक रह गई कैंडल जलना। चलो मम्मा फूक मार पुलो। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू। इस पे फूक मारो, इस पे, इस पे, इस पे। फूक मार ली, हो गया। पूरा मुंह देख कैसा हो गया, ब्लू। मैं तो कह रही हूँ ये क्या हो गया। वाह भाई वाह, मुंह देखो ना इसका भी पूरा नीला हो गया है। छोली काट तो दे, वो खाने में बिजी है। काट के देना डॉक्टर सबको। उठा लूं? हाँ मैं इधर आई हूँ आप लोग को लेने के लिए। गाइस लोडू, लोडू कल चली जाएगी इसलिए मासी के साथ है ना टाइम स्पेंड हो रहा है ना। हाँ जी वही तो। चलो और यहाँ पे मम्मी कपड़े फैला रही है और यहाँ पे लाइट अभी जलाई नहीं है, बाहर की अंधेरा हो रखा है। रुको मैं जलाती हूँ लाइट। ये तो ये मम्मी कपड़े फैला रही है अपने। देखो ये मम्मी का नया घर देखो, फिर किसी ने बंद कर दी लाइट। हाँ क्योंकि अभी एंगल नहीं लगे, अभी एंगल नहीं लगे इसलिए बालकनी पे। हाँ करने पड़ रहे हैं, कपड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वही तो सूखने को उठाना पड़ रहा है, बाकी दोबारा मिला के डालने पड़ रहे हैं। और यहाँ से ये अभी हमारा घर है 3rd फ्लोर पे देख लो। और यहाँ से यहाँ पे पापा, पापा की तबीयत सही नहीं थी, अभी पापा थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं। अभी आप कैसे फील कर रहे हो पापा? अच्छा ना, ठीक है। चलो यहाँ से देखो ये एक रूम है, इसी के साथ उधर से दिखा देती हूँ। ये एक रूम है, यहाँ पे लाइट ला देना पापा। हाँ ये वाला एक रूम है, ठीक है। यहाँ से ये एक रूम, इसकी बालकनी इसी के साथ अटैच्ड है। यहाँ से ये रूम भी, फिर हम चलेंगे इसके आगे। ये है पूरा हॉल, यहाँ से जाएंगे अब हम उधर। यहाँ पे भी एक किचन है जो मम्मी ने अभी जस्ट सजावट के लिए रखी हुई है। और इसके साथ वो ठीक है यहाँ पे, फिर हम जाएंगे यहाँ से इधर वाले रूम में। यहाँ पे मुस्कान बैठी हुई है और अपना फोन चला रही है। ये देखो उसकी शक्ल, ठीक है अभी नहीं शक्ल दिखानी उसको। चलो ये इसका देखो, वहाँ पे भी एक टैडी रहता है और यहाँ पे भी इसका एक टैडी रहता है इसके साथ। हाँ फिर है यहाँ पे, यहाँ पे अभी रूम अभी ऐसी है, मतलब यहाँ पे भी बेड वगैरह डलेगा, अभी डला नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे भी एक बालकनी है, ये भी देखो। और यहाँ एक वॉशरूम है बाहर। और यहाँ से हम चलेंगे फिर आगे, आगे चलते चलते ये यहाँ पे है एक किचन जो कि अभी यूज़ में है। ये किचन यूज़ हो रही है अभी और खाने में बन रहा है आलू की भाजी और दाल चावल। इसी के साथ चलो हम पीछे जाते हैं। यहाँ पे भी है एक और रूम और यह है मम्मी का रूम। लाइट जलाती हूँ तब दिखेगा।
ये है मम्मी का रूम, ये है मम्मी का मंदिर जो मम्मी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, ये देखो। और ये यहाँ से है ये पूरा घर, ये भी है एक वॉशरूम। तो चलो हम चलते हैं वापस। मैंने बोला था धनिया को रखने के लिए पन्नी में, ये फिर लाइट ऑफ करके बैठ गई। अब तो सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई है, मैं कह रही हूँ तो सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। इसने बोला ना मुझे दोबारा लेना, लो मैं आ गई दोबारा। अब बोलो जी, हम बस यही बोल रहे कि आप कोपा को मत लेके जाओ, ऐलान को बुला। अच्छा ऐलान को बुला लो, ऐलान के स्कूल स्टार्ट है। कोई बात नहीं, नहीं मैं फिर आ जाऊंगी नेक्स्ट मंथ, तो मुझे आना ही है फिर भी। मन नहीं लगा इसको मतलब भेजने का, नहीं जाना तो पड़ेगा। यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, उधर टोटल 4 वॉशरूम्स हैं। तो ये है मम्मी का नया घर, अभी मैंने ऐसे ऐसे ही दिखा दिया है आप लोगों को। और इसी के साथ अब हमें कल निकलना है, गेजी तो चले गए हैं और मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि पता नहीं अगर डस्ट बहुत ज़्यादा था जिससे मुझे अचानक खांसी होने लगी और मेरा गला जो है वैसे बैठ गया। और यहाँ पर हम लोग बहनें जो हैं वो अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर रहे हैं और एक बहन उधर पड़ी हुई है, उसको पता नहीं क्या हो गया, उसको कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा सदमा सा लग रहा है क्योंकि लाडू चली जाएगी, इसीलिए वो अकेले में बैठी हुई है। हाँ अकेले बैठी हुई है और बस वही हम कल चले जाएंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ हम कल चले जाएंगे भाई। इधर देखो लाडू, इधर देख देखो, चलो तुझे कितना बड़ा सदमा लगा था जो तू आई नहीं दीदी इधर है, जब दीदी घर आई थी, जब मतलब मैं जो चली जाऊंगी गलती हाँ। इसी सदमे में वहां बैठी है ना, बिल्कुल लाडू चली जाएगी इसीलिए। तो चलो फिर लाडू आएगी नेक्स्ट मंथ, 2 बजे नहीं फिर लाडू आएगी नेक्स्ट मंथ। गोटा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोटा हैज नो इमोशंस ना, इमोशनलेस पर्सन। नहीं गोटा है एक्चुअली, इनर इमोशन है उसके, इनर इमोशंस है ना गट्टू, हाँ मतलब वो शाय फील करती है उनको शो करने में, है ना गट्टू, वही तो। और वो जो है ना जो लड़की बाहर खड़ी हुई है वो है इमोशनल पर्सन, मतलब वो बिल्कुल ही मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती है। कल मैं दिखाऊंगी इसके आंसू, जो इसके आंसू जो इतने ज्यादा वाले आंसू गिरेंगे कल, तो चलेगी मेरे साथ हाँ। और एक और गुड न्यूज है गाइज, ये 11 से 12th में आ गई है, ये 9 से 10th में आ गई है, तो दोनों ही प्रमोट हो चुकी हैं, पास हो गई हैं, तो इसीलिए गाइज करेंगे जानकर क्योंकि भैया फैमिली होती है गाइज, पता है हाँ। जो भी ब्लॉग्स बनाते हैं ना वो अपनी फैमिली के फैमिली हो जाते हैं फिर। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम लोग सारे नहा धो के फ्रेश होके बैठे हुए हैं और आज मुझे निकलना है घर वापस क्योंकि गेजी तो चले गए थे 2-3 दिन पहले क्योंकि घर में उर्स था और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो इसीलिए। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और बस अब लंच वगैरह करके अब निकलेंगे घर के लिए। तो मायका है भाई, मायके से जाएंगे, टाइम पर थोड़ा सा तो फील होता है कि भाई और थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए हम लोग बैठ के थोड़ी से गॉसिपिंग कर रहे हैं। कौन सा टाइम है ये हमारा, क्वालिटी टाइम, वी आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। सो चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज तो महासंग्राम को कोई रोक नहीं सकता, आज तो नेहा रुक जा रहा, नेहा आज इस लड़की से ना लड़ाई, आज तो इसके बाल खींचने पड़ेंगे, आज इसके बाल खींचने पड़ेंगे। देखो गाइस ये नानी को कैसे मारती है, हाँ, देखो कमेंट करके बताना कि अच्छी बात है, प्लीज बताना नानी को, इस बच्चे को ताकि इस बच्चे को क्या पनिशमेंट मिले, इस बच्चे को
भाई ये बच्चा बहुत शैतान है, बहुत शैतान है ये। बाल देख रहे हो कैसे बिखरा रखे हैं इसके, ये देखो हप्सी हप्सी हप्सी, ये गोरा हप्सी है हमारा, गोरा हप्सी है ये, है ना गंदो, इसको मुक्का मारो। आ जा इधर, आ जा आ जा आ जा आ जा बाहर, आ जा आ जा बाहर, बाहर आ जाओ, आओ आओ, यहाँ लड़ाई करो ना, यहाँ छुपके क्यों कर रहे हो, सामने करो। यहाँ पे देखो मुनिया चाय पी रही है, चल रहा है साथ लग रही साथ चल रहा करी। हाँ ये देखो शीतल और ये उनकी बेटी प्यारी सी, देखो अभी बेचारी को इंजेक्शन लगा है, थोड़ी देर में रोना शुरू करे। देखो मेरा तो बहुत मन कर रहा है मैं घूम के आऊँ, क्योंकि दो साल मुझे हो गए, मैं दो साल से गई नहीं, पर हाँ। इसकी टोक लग गई, जाना हो ही नहीं पा रहा है। हाँ। मेरा बड़ा मन करता है जाने का, तो अम्मी जून में ना कुछ ऐसा हो जाता है मैं जा ही नहीं पाती। सही बात है, पर इस बार मैं जरूर जाऊँ। देखा हाँ, लाडो नानी को लेके चलना है साथ, क्यों नहीं लाडो को, लाडो नानी को लेके चलना है, अब इसके हाथ काटूंगी, देखा 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 शैतान इतनी हो गई है ना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तू भाग मत कहीं, तू भाग मत कहीं, कौन तू, बैठ जा इधर, चल चलो इसको यहीं पे ले रख लो मम्मी, इसको यहीं पे रख लेती हूँ, ठीक है। हाँ ये नहीं जाएगी, चलो हम लोग जा रहे हैं भाई, बाय बाय। तो फिर आ बाहर, बाइक दू, पानी पीने दू, चलो 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 बाहर निकलो, सैंडल कहाँ है? अरे हम लोग छोड़ी सकती रह जाएगी। हाँ नीचे ये लोग देखो भाई, यहाँ पे ये मिलन चल रहा है क्योंकि चले जाएंगे हम लोग, ये तो हंस हंस के पागल ही, दुख में भी हंसती है, खुशी में भी हंसती है, इस सब में हंसती है ये, नाचने के हाथ की लास्ट चाय। हाँ अच्छी बनाई है वही तो, और ये हमेशा खुश रहे भाई, दोनों के सभी खुश रहे। हाँ और इसको देखो, इसको और ये लोग की लीडर लीडर है ना। तो गाइस घर जाने का टाइम आ गया है, ठीक है हमारे बैग्स ऑलरेडी आते जा चुके हैं, हम जाएंगे। तो मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी कैसा लग रहा था? मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास रहे, आती जाती रहे, इसी तरीके से तेरे पास रहे। क्योंकि पता नहीं इसको तो लगता है कि मैं तो कुछ दिनों फिर चली जाऊंगी, अब मेरा तो ऐसा रहा था मैं चली जा नहीं पाती हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं है। कितने दांत फाड़ रही है, हद हो गई है सही में। मैं चाहती हूँ ये जा रही है मगर जल्द से जल्द वापस आए, जल्दी से वापस आए, अगले महीने वापस आ रही हूँ मैं, फिर से रौनक लग जाती है घर में, बहुत अच्छा लगता है। अगले महीने फिर से आ रही हूँ वापस, लोटा खाऊंगी तो मेरी भी नानी को छोड़ के है सच्ची में यही पे रह, इसका रोना देखो यार, चल उठ जा उठ जा, बाय बाय, ठीक है मुनिया। देखो ये पापा छोड़ने के लिए आए थे हमें, लोडू नरेश जी है। हाँ नरेश जी, नरेश जी भी छोड़ने के हैं, छोटी है। हाँ मस्ती करेंगे, सुन रहे हो, मस्ती करेंगे, नानी बुला रही है आप, जाने दीजिए थोड़ा, बाय कर दो, खुशी खुशी कर दो। तो लाडो लाडो मैं आपको दोबारा ट्रेन में लेकर के नहीं आऊंगी, ठीक है ठीक है। तो लाडो ने इतना परेशान किया है हद से ज्यादा, ऑलमोस्ट हम लोग का सफर खत्म होने वाला है, रास्ते में हमने कोई क्लिप नहीं लिया है क्योंकि जो बच्चा है ना, इस बच्चे ने जीना मुश्किल कर दिया था, बस जैसे तैसे हम लोग अपने घर पहुंच रहे हैं, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, है ना। क्या क्या मुझे देखे, मैं क्या करूं क्या करूं, बोलो क्या करना है आपको। मैं आपको लेके नहीं आऊंगी दोबारा, आप देखना दोबारा मैं खुद आ जाऊंगा। खुद से कैसे आ जाएगा जब तू, मैं बैठ जाऊंगा ट्रेन में बैठ के आ जाएगा। बहुत परेशान किया मम्मा आपने मुझे, बहुत ज्यादा, मेरे को तो लग रहा था मैं आधे रास्ते पे ही उतर जाऊं। चलो भाई ठीक है, फाइनली सफर खत्म होने वाला है और एक घंटा बाकी है अभी। लड्डू लड्डू लड्डू
ओ लड्डू, ट्रेन में आपने क्या क्या किया? हाँ, सबकी पिट्टी करी ना आपने, बैड गर्ल बने ना आप? वो नहीं दे बोलेगी अब। 10 दिन बाद, 10 दिन हो गए ना मुझे दिल्ली में कि नहीं हुए? 7-8 दिन तो हो गए होंगे। पूरे एक हफ्ते बाद मैं आज घर वापस जा रही। अभी हमारी लोडो देखो, और गेजी आए हमें रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो तो पहले आ गए थे। तो चलो भाई चलते हैं घर। आ गया, वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम, ये आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, फ्लावर्स मिले हैं मुझे पहली बार। वाह वाह, वेरी गुड। कहाँ आ गया लोडू? बलापा के कंधे पे। बच्चा, जंगली बच्चा, देखो ना, भाई की गोद में सो गई थी ये। रबड़ इधर है,